तो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ई टीचर में दोस्तों लेकर आए हैं जरूरी खबर शिक्षक साथियों से संबंधित वो है राजस्थान प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को शिक्षकों के वेतन संबंधी भ्रांतियों को दूर करवाने संबंधित एक ज्ञापन दिया गया है और उसी के संबंध में हम बात करने वाले हैं इस रिपोर्ट के अंदर कि छब्बीस अप्रैल को राजस्थान प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री श्री महेंद्र पांडे द्वारा इस संबंध में जो है राजस्थान के शिक्षकों के वेतन संबंधी भ्रांतियों को दूर करने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर बात कही गई है चलिए आपको दिखाते हैं पूरी खबर इसमें क्या कहा गया है तो उन्होंने मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को शिक्षकों के वेतन संबंधी भ्रांति को दूर करने के लिए एक पत्र लिखा जिसमें कहा गया है कि सभी ने निवेदन है कि कोरोना वायरस रोकथाम में राज्य का शिक्षक वर्ग जो है आर्थिक व प्रशासनिक दोनों स्तर पर सहयोग कर रहा है तीन चार दिनों से जुलाई 2020 तक आधा वेतन स्थगित करने जुलाई 2019 का डीए जो पाँच पाँच प्रतिशत बढ़ाया गया उसको फ्रीज करने के समाचार प्रकाशित हो रहे हैं इससे शिक्षक वर्ग काफी भ्रमित हो रहा है राज्य के शिक्षक पाँच तीन दो एक दिन का वेतन भी सीएम सहायता कोष में दे चुके हैं साथ ही मार्च माह का वेतन भी फिफ्टी परसेंट तक कम लिया है फिर भी इस संदर्भ में उपजी विसंगतियों जो है वो सरकार दूर करे संगठन संगठन का आग्रह है कि सरकार निम्नलिखित बिंदुओं पर निर्णय करे वैसे उन्होंने जो बातें इसमें लिखी बहुत ही सटीक और सही बातें लिखी गई है और शिक्षकों के हितों में कही गई ये बातें तो सबसे सब पहले उन्होंने लिखा है कि मार्च 2020 का जो 50 प्रतिशत तीस प्रतिशत वेतन स्थगित किया है इसे आगे नहीं बढ़ाया जाए दूसरी बात अप्रैल का वेतन बिल जो है पूरे महीने का जनरेट हो रहा है इसे पारित करने के निर्देश दिए जाए साथ ही शिक्षक अपने काम के अलावा कोरोना वायरस रोकथाम पर भी काम कर रहे हैं इन्हें अतिरिक्त भत्ता या पी मिलनी चाहिए इनका पचास प्रतिशत या तीस प्रतिशत स्थगित वेतन वापस देने का भी निर्णय किया जाए इसके साथ ही प्रोबेशन कर्मचारी हैं उनके मानदेय से पचास प्रतिशत तीस प्रतिशत स्थगित वेतन वापस दिया जाए ये वेतनभोगी नहीं है नंबर फाइव कोरोना रोकथाम को बीएलओ जैसा कार्य समझ लिया है निरंतर लगी ड्यूटी को बदलने और आवश्यकता होने पर पोस्टिंग पहले से गृह जिले में आए शिक्षकों को लगाने के निर्देश दिए जाए बिल्कुल सही बात है उन्होंने लिखी है नंबर सिक्स स्कूल बंद होने पर भी शिक्षक घर से ही छात्रों के ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं बोर्ड परीक्षा के लिए सोशल डिस्टेंसिंग से नई तैयारी कर रहे हैं कक्षा एक से आठ नौ से ग्यारह का रिजल्ट तैयार कर रहे हैं छात्रवृत्ति के बिल है सलाह दर पर पोर्टल पर सुधार है पे मैनेजमेंट सुधार अधिकारी भी कर रहे हैं अतः शिक्षक किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं रोका जाए शिक्षकों के कार्य पर अनेक टिप्पणी भी होने लगी है जबकि शिक्षा विभाग के कार्य के अलावा राज्य का शिक्षक वर्ग जो है बॉर्डर चेक पोस्ट घर घर सर्वे क्वारंटाइन आइसोलेशन सेंटर अनाज वितरण घर घर भोजन पहुंचाना जैसे कार्य कर रहे हैं सभी जिला प्रशासन को शिक्षकों को प्रताड़ित नहीं करने के निर्देश दिए जाए तो ये बड़ी बातें उन्होंने लिखी है महेंद्र पांडे महामंत्री ने जो राजस्थान के प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघ के महामंत्री हैं तो उन्होंने बहुत बहुत सटीक बातें लिखी है मुख्यमंत्री को कि शिक्षकों के साथ जो है वेतन संबंधी भ्रांतियाँ या अन्य जो समस्याएं हैं उस पर गौर करें और प्रशासन भी इसका पूर्ण सहयोग करे शिक्षकों के साथ तो ये जो बातें उन्होंने दर्शाई है वेतन को लेकर या अन्य जो समस्याएँ बिल्कुल सटीक बातें कही हैं तो ऐसा सरकार को करना भी चाहिए उनकी सुननी भी चाहिए क्योंकि शिक्षक लगातार जो है देश के साथ है और अपने आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से हर तरह से सहयोग कर रहे हैं तो बिल्कुल सटीक बातें उन्होंने इस ज्ञापन में दी है कि शिक्षकों के साथ जो है वेतन संबंधी भ्रांतियाँ हैं या अन्य जो विसंगतियाँ उनको दूर की जाए तो बहुत ही अच्छी बात उन्होंने इस ज्ञापन के माध्यम से दी है थैंक यू फॉर वाचिंग अवर चैनल ई टीचर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें जानकारी बहुत ही अच्छी जानकारी दी गई है श्री महेंद्र पांडे जी द्वारा मुख्यमंत्री को ज्ञापन के माध्यम से थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर चैनल ई टीचर